नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किस पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3, फर्स्ट वन इज द कॉइन, सेकंड वन इज द डाइस एंड थर्ड वन इज द कार्ड, ओके, तो कॉइन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 कॉइंस, फर्स्ट वन इज द 1 कॉइन, 2 कॉइन एंड 3 कॉइन, 1 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, GST, 2 कॉइंस के लिए क्या होता है, 2H, 2T, GST, GST, उसके बाद में 3 कॉइंस के लिए क्या होता है, 4H, 4T, उसके बाद में 2H, 2T, 2H, 2T, GST, 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 उसके बाद में देखा डाइस, डाइस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2, फर्स्ट वन इज द 1 डाइस, सेकंड वन इज द 2 डाइस, 1 डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 2 डाइस के लिए क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू 6 6 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52, उसके फॉर्म्स कितने होते हैं, 2, फर्स्ट वन इज द रेड कार्ड, सेकंड वन इज द ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, रेड कार्ड के फॉर्म्स कितने होते हैं, 2, फर्स्ट वन इज द डायमंड, सेकंड वन इज द हार्ट, और ब्लैक कार्ड के कितने फॉर्म्स होते हैं, 2, फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट एंड सेकंड वन इज द क्लब, तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 30, अभिषेक बस कर बेटा, गुड इवनिंग, उठ के बहुत समय हो गया, चलो इधर ध्यान दो, ओके, उसके बाद में रेड कार्ड कितने होते हैं, 30, अरे वैष्णवी बस करो, ओके, गुड इवनिंग, ओके, उसके बाद में रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड होते हैं, फिर उसके बाद में रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं, डायमंड एंड यश, बस करो, ओके, उसके बाद में रेड कार्ड दो पार्ट में होते हैं, एक होता है डायमंड, दूसरा होता है हार्ट, और ब्लैक कार्ड में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है स्पेड और दूसरा क्या होता है क्लब, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, क्लब कार्ड कितने होते हैं, 13, हार्ट कार्ड कितने होते हैं, 13, और डायमंड कार्ड 30, तो डायमंड कार्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3, फर्स्ट वन इज द एस कार्ड, सेकंड वन इज द नंबर कार्ड एंड थर्ड वन इज द फेस कार्ड, ओके, तो नंबर कार्ड कहां से कहां तक होते हैं, 2 to 10, और फेस कार्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3, फर्स्ट वन इज द जैक, सेकंड वन इज द क्वीन एंड थर्ड वन इज द किंग, सो दिस इज आल्सो अबाउट द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में देखा स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3, फर्स्ट वन इज द मीन, सेकंड वन इज द मीडियन, थर्ड वन इज द मोड, मीन कितने वे से फाइंड होता है, सॉरी मीन 3 वे से फाइंड होता है, फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज द अज्यूमिंग मेथड एंड थर्ड वन इज द स्टेप डेविएशन, तो डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स होते हैं, 4, अज्यूम में कितने होते हैं, 5, फर्स्ट स्टेप में कितने होते हैं, 6, डायरेक्ट मेथड के फर्स्ट कॉलम में क्या होता है क्लास, दूसरे में क्या होता है क्लास मार्क, तीसरे में क्या होता है fi, फोर्थ में क्या होता है fi xi, तो मीन किसे इंडिकेट करते हैं, x बार, x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, उसके बाद में फाइंड किया आपने अज्यूमिंग मेथड, कितने कॉलम्स होते हैं उसमें, 5, फर्स्ट कॉलम में क्या होता है क्लास, दूसरे में क्या होता है क्लास मार्क, तीसरे में क्या होता है di, di is equals to क्या होता है xi minus a, फोर्थ में क्या होता है fi, और फिफ्थ में क्या होता है बोलो जल्दी से fi di, पहले कैलकुलेट करते हो आप d bar is equals to क्या होता है summation of fi di upon summation of fi, एंड लास्ट वन क्या कैलकुलेट करते हो x bar is equals to क्या होता है a plus d bar, उसके बाद में फाइंड किया बच्चों आपने स्टेप डेविएशन मेथड, कितने कॉलम्स होते हैं उसमें, 6, फर्स्ट कॉलम में क्या होता है क्लास, दूसरे में क्या होता है क्लास मार्क, तीसरे में क्या होता है di, di is equals to क्या होता है xi minus a, फोर्थ में क्या होता है ui, ui is equals to क्या होता है di upon g, फिफ्थ में होता है fi एंड सिक्स में होता है fi into ui, तो पहले कैलकुलेट करते हो u bar is equals to क्या होता है summation of fi ui upon summation of fi, एंड लास्ट वन x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है a plus g वाला, उसके बाद में देखा मीडियन में बच्चों आपने देखा था मीडियन इज मोस्टली यूज्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, सो मीडियन इज बेस्ड ऑन द मींस कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है स्टैटिस्टिक्स पे, तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है l plus n by 2 minus क्या होता है cf upon f into क्या होता है h, उसके बाद में देखा मोड फर्दर मोड क्या होता है फॉर्मूला क्या है मोड के लिए l plus f1 minus f0 upon क्या होता है 2f1 minus f0 minus f2 into h, उसके बाद में देखा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, उसके बाद में देखा हिस्टोग्राम के देखा बच्चों अपने पार्ट डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या होता है सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360, दिस इज ऑल्सो अबाउट किसके बारे में हो गया स्टैटिस्टिक्स,
After that, उसके बाद में देखा आपने एपी, क्या देखा आपने एपी। अब बच्चों एपी में सबसे पहले आपने देखा था एपी में किसे कहते हैं, एपी में एपी किसे कहते हैं, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दिस इज कॉल्ड एज द एपी। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं ए और कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं डी। उसमें सबसे पहले आपने फाइंड किया था यस वन सॉरी टी वन टी टू टी थ्री टी फोर। अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है और टी फोर पता है तो टी फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, टी फोर प्लस डी। ओके अगर टी सिक्स निकालना है टी फाइव पता है तो क्या रहेगा फॉर्मूला, क्या रहेगा टी फाइव प्लस डी। अगर सेवन टर्म पता है एट टर्म निकालना है तो क्या लिखोगे टी सेवन प्लस डी। आगे समझ में। सो आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द यंत टर्म, क्या फाइंड किया आपने यंत टर्म, और यंत टर्म इज नथिंग बट क्या होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। उसके बाद में फाइंड किया यंत टर्म फ्रॉम द एंड, कहाँ से फाइंड किया फ्रॉम द एंड, एंड इट इज नथिंग बट क्या होता है एल माइनस वन इन टू डी। उसके बाद में फाइंड किया बच्चों अपने सम, सम कितने में से फाइंड होती है बच्चों दो, एक होती है फाइनाइट सीरीज दूसरी होती है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है, इनफाइनाइट में लास्ट टर्म अननोन होती है तो फाइनाइट में लास्ट टर्म क्या होती है नोन होती है। चलो फॉर इनफाइनाइट सीरीज Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n / 2 * क्या होता है 2a + n - 1 * d। एंड सिमिलरली बच्चों अगर लास्ट टर्म पता है तो दैट्स द सब का फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल्स टू a + n / Sn इज इक्वल्स टू n / 2 * क्या होता है a + tn, वेयर tn क्या होता है बोलो जल्दी से लास्ट टर्म। आगे समझ में, कल कुछ एग्जांपल्स हो गए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए थे। अच्छा कल का कांसेप्ट समझ में आया क्या ये बताओ, तुम्हारे कड़ा लग रहा है प्रेजेंट होते का रहा मन मंदिर आते चित्त खेत रहा चलो। चलो उसके बाद अब बच्चों थोड़ा सा ये हो गया, ये राजवीर क्या परेशान हो रहे हैं, राजवीर आज के संगत में उधर रिपब्लिक डे का पर्व पसंद पर ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों ठीक है। तो क्या था आपका लास्ट सेशन में आपने सम देखे थे बच्चों, मस्त बच्ची सम, इधर का सम उधर का सम देखा था आपने ठीक है, लास्ट टर्म पता थी अनु थी ये थी वो थी सब कुछ चल रहा था आपका ठीक है। अब बच्चों इतना होने के बाद में अब थोड़ा सा कॉन्जेक्टिव थोड़ा सा टर्म को ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा सा टर्म को ट्विस्ट देते हैं। यहाँ पे देखो ट्विस्ट मीन्स कैसे आता है, इधर ध्यान दो बच्चों ठीक है। अब बच्चों इसमें छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, क्या कहते हैं बोलो जल्दी से कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, आगे समझ में कॉन्सेक्यूटिव टर्म। अब ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या झोल है बच्चों, इधर ध्यान दो, इसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मराठी, क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मराठी, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रमागत संख्या, क्या कहते हैं इसको क्रमागत, अलग अर्थात ये क्रमागत चक्कर क्या होता है, द नंबर विच कैन कम अपीयर वन आफ्टर अनदर। ओके मींस जो नंबर्स कैसे होते हैं एक के बाद में एक आते हैं, जैसे तीन नंबर कौन से हो गए 1 2 3, उसके बाद में दो दो का डिफरेंस पकड़ के चलो 2 4 6, उसके बाद में चार का डिफरेंस पकड़ के चलो चार का टेबल बोल दो 4 1 4 4 2 8 4 3 12, ये जो नंबर्स है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। आ गया, और टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आ गया समझ में, इधर ध्यान दो। तो ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, ध्यान में रखना बच्चों इसमें थ्री टर्म्स होते हैं, आपको सिलेबस में तीन टर्म या चार टर्म ही पूछेंगे बट मैं तुमको छह टर्म्स के लिए रेडी करके रखूंगा, यानी 11 12 में बल्ले बल्ले हो जाएगा। आ गया, उसके बाद में थ्री टर्म्स है, उसके बाद में होता है फोर टर्म्स, उसके बाद में होता है फाइव टर्म्स एंड लास्ट पर होता है बच्चों सिक्स टर्म्स। आगे समझ में, इतना समझ में है कितने टर्म्स, कितने टर्म्स के लिए देखना है, थ्री टर्म्स फोर टर्म्स फाइव टर्म्स एंड सिक्स टर्म्स। आ गया, तो थ्री टर्म्स में ध्यान में रखना बच्चों, टर्म्स होते हैं ए होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है बोलो जल्दी से फर्स्ट टर्म, एंड डी होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ध्यान में रखना ए होता है फर्स्ट टर्म तो डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो चलो बच्चों तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स देखेंगे अभी, थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ओके ध्यान में रखना बच्चों ए माइनस डी ए ए प्लस डी, कौन कौन से थ्री टर्म्स होते हैं बोलो जल्दी से ए माइनस डी ए ए प्लस डी, हाँ बराबर है, आपके भी टर्म्स बराबर है बट वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना सम के नीचे में एक्सरसाइज तीसरी के लास्ट के नए पेज पे देखो तीन क्वेश्चन स्टार किए हुए, उसमें आपको क्वेश्चन में दिए है बट व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दैट टाइम वो सीक्वेंस नहीं दिया रहता, इसलिए मैं लर्न करके लेने वाला हूं। आ गया समझ में, चलो बोलो थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कौन से होते हैं बोलो जल्दी से ए माइनस डी ए ए प्लस डी, आ गया समझ में। उसके बाद में फोर कॉन्सेक्यूटिव टर्म ध्यान में रखना बच्चों ए माइनस थ्री डी, उसके बाद में ए माइनस डी, उसके बाद में ए प्लस डी एंड लास्ट वन क्या होता है ए प्लस थ्री डी, आ गया क्या समझ में ये बताओ पहले।
ओके पहले ध्यान में रखो थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कौन से होते हैं, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, उसके बाद में फोर कॉन्सेक्यूटिव टर्म कौन से होते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, उसके बाद में देखेंगे फाइव टर्म्स, क्या देखना है आपको फाइव टर्म्स। अब फाइव टर्म्स में कौन से होंगे बच्चों, ध्यान में रखना फाइव टर्म्स में रहते हैं बच्चों ए माइनस टू डी, उसके बाद में क्या रहता है ए माइनस डी, उसके बाद में ए ए प्लस डी, और क्या होता है बोलो जल्दी से ए प्लस टू डी, आ गया क्या समझ में, ये हो गए बच्चों आपके फाइव टर्म्स, आ गया समझ में। और बच्चों लास्ट वन रह गया, कौन रह गया बोलो जल्दी से, बब्बर शेर, दैट इज कॉल्ड एज द सिक्स टर्म्स, आ गया समझ में। तो इन दैट सिचुएशन ध्यान में रखना ए माइनस, इसको क्या लिखोगे ए माइनस फाइव डी, उसके बाद में ए माइनस थ्री डी, उसके बाद में क्या लिखोगे ए माइनस डी, उसके बाद में ए प्लस डी, उसके बाद में क्या लिखोगे ए प्लस थ्री डी, एंड लास्ट वन क्या मिलेगा बोलो जल्दी से ए प्लस फाइव, आगे समझ में। तो दिस वे वी हैव टू डिफाइन द टर्म्स, आगे समझ में। तो पहले तीन टर्म्स कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान में रखना a माइनस d, a a प्लस d, उसके बाद में देखोगे फोर टर्म्स कौन से होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, उसके बाद में फाइव टर्म्स ध्यान में रखना a माइनस 2d, a माइनस d, a a प्लस d, a प्लस 2d, ओके। और सिक्स कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से होते हैं, सिक्स कंसेक्यूटिव टर्म्स ध्यान में रखना a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस क्या कहोगे 3d एंड a प्लस 5d, आ गया क्या समझ में ये बताओ, ओके। सब एक में के रिवर्स है बच्चों, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, ये देखो बीच में है, आ गया इधर नेगेटिव है तो इसका उसका पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है तो उसका इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, आ गया क्या समझ में ये बताओ, ओके। सो सच टर्म्स इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्या कहते हैं इसको कंसेक्यूटिव टर्म्स, आ गया क्या समझ में ये बताओ, इतना समझ में आया। थोड़ा सा नए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो टेक्स्ट बुक में तीन इंच क्वेश्चन है, वो तीन क्वेश्चन के ऊपर से एक क्वेश्चन आने वाला है, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड देखते हैं, आगे क्या समझ में बोलो जल्दी से, आ गया होगा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल दो, कौन है फोटो वाला ए जयश्री फोटो कार्ड बटन मला पाठवून दे, ए जॉबलीज का जयश्री हाँ शाबाश तुमची दाढी ती सगळी काळ हो गया, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, पहले सिंपल बात, सिंपल सा मस्त सस्तो सुस्त प्यारा सिंपल एग्जाम, ओके इधर ध्यान ठीक है, रोको एक मिनट, हाँ पहले सिंपल वाला एग्जाम ठीक है, सम ऑफ सॉरी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, आर इन एपी, आ गया थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में ये टाइप का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, हाँ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज, द स्मॉलेस्ट एंगल इज, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द ऑल एंगल, फाइंड द ऑल एंगल्स, आगे के समझ में ये बताओ बच्चों, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों ठीक है, देख लो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तुमको कुछ नया नया दिखेगा क्वेश्चन ठीक है, देख लो बस नसीब अच्छा होगा तो आ जाएगा पेपर में ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों। अब दिया है आपको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, अब एंगल्स है बच्चों ट्रायंगल को, ट्रायंगल दिया है एंगल्स है, अब मुझे बताओ ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, तीन, ट्रायंगल्स में एंगल कितने होते हैं, तीन, हाँ तीन, सुमित एडिशन ने पूछ रहा बेटा हाँ अंजलि हाँ इधर ध्यान दो,
ओके नाउ इन दैट सिचुएशन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एफई, एंगल्स कितने होते हैं तीन, अब तीन एंगल कौन से पता है क्या तुमको, बिल्कुल नहीं, अब आपको पता है तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स पता है, चार कॉन्सेक्यूटिव पता है, पांच कॉन्सेक्यूटिव, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे बच्चों, थ्री कॉन्सेक्यूटिव, ओके तो यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है बच्चों, लेट द थ्री एंगल्स आर, क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, थ्री एंगल्स आर कौन कौन से लिखोगे बच्चों, ए माइनस बी, ए ए प्लस डी, आ गया क्या समझ में, ये बताओ बच्चों, ओके इतना समझ में आया, थ्री एंगल्स कौन कौन से लिए बोलो जल्दी से, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, अब किसी के दिमाग में ऐसी थोड़ी सी घंटी बजे होगी, तीन एच की उठ है, ट्रायंगल को चार एंगल नहीं तीन एच एंगल होते हैं, आगे क्या समझ में, ये ध्यान में रखो, ट्रायंगल को तीन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल को चार होते हैं, आगे समझ में, ठीक है, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीन एंगल, अब तीन है तो तीन ही कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उठाओगे, कौन कौन से उठाओगे, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, आगे समझ में, a माइनस डी, a a प्लस डी, ये आपने अजूम किया, ठीक है, अजूम ने करना चाहिए, कंसीडर करना है वो, आ गया समझ में, इधर ध्यान दो, अब ट्रायंगल है बच्चों, आपको एक फंडा पता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल की एडिशन कितनी होती है 180, ट्रायंगल के तीन एंगल की एडिशन कितनी होती है 180, तो खेल लो फिर इसके साथ में, a माइनस डी प्लस क्या मिलेगा, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलो जल्दी से, 180, आ गया क्या समझ में, ये बताओ ट्रायंगल के तीन एंगल के एडिशन कितने हो गए 180, अब बच्चा इधर ध्यान दो, इधर d माइनस है, इधर d प्लस है, एक ही साइड में है, एक माइनस है दूसरा प्लस, d d क्या हो गया कैंसिल, क्यों हो गया कैंसिल, क्योंकि एक माइनस है दूसरा कैसे है प्लस, आगे इतना समझ में, अब बच्चे क्या बोलो जल्दी से, a a a कितने बच्चे बोलो जल्दी से, तीन, तो दैट इज क्या मिल गया बोलो जल्दी से, 3a is equals to क्या मिल गया 180, आगे तो a is equals to क्या मिलेगा बच्चों बोलो जल्दी से, 180 upon 3 दैट इज a is equals to कितना मिल गया बोलो जल्दी से, 60, आगे क्या समझ में, ये बताओ a is equals to 60, यानी 60 पकड़ के चलो, आगे समझ में, इतना समझ में आया, ठीक है, आफ्टर दैट बच्चों वैष्णवी नहीं कड़ा, अगर ट्रायंगल चे तीन एंगल चे एडिशन किती असतं, त्रिकोणाचा तीन त्रिकोणाचा मापाची बेरीज 180 असतं का नाही, सांग वैष्णवी कड़ा का आता, ते सांगितलं मी, ट्रायंगल के तीन एंगल की एडिशन कितनी होती है 180, आगे इतना समझ में, अब उसी प्रकार a is equals to 60 मिल गया, ओके अब दिया है आपको कंडीशन, दिया है स्मॉलेस्ट एंगल, क्या दिया है बोलो जल्दी से, स्मॉलेस्ट एंगल, अब यहां पे दिया है स्मॉलेस्ट एंगल, क्या दिया है स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया है बोलो जल्दी से, 30 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया आपको 30 डिग्री, आ गया समझ में, छोटा वाला एंगल, अब कहोगे इसमें a माइनस डी है, इसमें a है, इसमें a प्लस डी है, आ ऑब्वियसली a माइनस डी है, इधर a है, इधर a प्लस डी, यानी ये सबसे छोटा, ये बीच में का और ये सबसे बड़ा, आ गया क्या समझ में, ये बताओ ये सबसे छोटा, ये बड़ा, ये मिस बीच में का और ये क्या हो गया सबसे बड़ा हो गया, आ गया समझ में, तो कौन सा a माइनस d स्मॉलेस्ट एंगल मिल गया, कितना मिल गया a माइनस d इज इक्वल टू क्या मिल गया 30 डिग्री, आ गया क्या समझ में, ये बताओ पहले सबसे छोटा एंगल a माइनस d इज इक्वल टू कितना मिल गया 30 डिग्री, अब बच्चों a की वैल्यू पता है, ये देखो 60 माइनस d इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलो जल्दी से 30 डिग्री, आ गया, अब चलो बच्चों ये इधर की जान टकरी है इधर, आ गया तो d को इधर लेके जा रहा, 30 को इधर लेके आ रहा, क्या मिलेगा बोलो जल्दी से, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों d, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया 30, समझ में आया क्या, ये बताओ बच्चों, ओके d भी मिल गया a भी मिल गया, डी भी मिल गया और ए भी मिल गया, चलो बच्चों तीन एंगल कौन से फाइंड करेंगे अभी, चलो बोलो जल्दी से, ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो, फर्स्ट एंगल कौन सा है ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो जल्दी से, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलो जल्दी से 30, आगे क्या समझ में, ये बताओ, ओके दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों बोलो जल्दी से, ए ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो जल्दी से 60, एंड थर्ड एंगल कौन सा है बोलो जल्दी से, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों बोलो जल्दी से 60 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 90, तो कौन से एंगल मिले बच्चों तीन एंगल बोलो जल्दी से 30 60 90, आ गया क्या, हाँ वैष्णवी आ गया समझ में, अब कहोगे हमारा आंसर सही है क्या गलत है ये चेक करना, एक काम कर लो बच्चों तीनों की एडिशन 180 आती है क्या देख लो, ये देखो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, 150 प्लस 30 कितना हो गया बोलो जल्दी से 180, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आ गया क्या समझ में बोलो बच्चों, कड़ा लगा सक रहा ना बोलो लगे सब ले हो गया,
हो गया। वैभवी नेक्स्ट है क्लियर। ए दिसत नाही रे, दिसत 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 नाही, दिसत दिसत क्लियर दिसत नाही, काल पण दिसतच म्हणत होतो। हाँ हो गया, चलो सुमित एक दियो सुमित एक सब और थोड़ा सा ठीक है। सम ऑफ द थ्री नंबर्स, सम ऑफ द थ्री नंबर्स आर, सम ऑफ द थ्री नंबर्स आर आर 18, सम ऑफ द थ्री नंबर्स आर 18। आ गए समझ में? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्या होता है? ये नया वर्ड दिखेगा आपको, एक्सट्रीम ये नया वर्ड दिखेगा, बताता हूं वो भी क्या होता है ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आर 36 द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज, ध्यान में रखना बच्चों आपको दिया है 35 दिया, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 35, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज लाइक द 35 दिया आपको, ध्यान रखना ओके। फाइंड द थ्री नंबर्स बच्चों इधर ध्यान दो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ओके। चलो इधर ध्यान दो, सम ऑफ द थ्री नंबर्स आर 18। हाँ एक्सट्रीम्स भी बताता हूँ, पर ये तो देख लो क्वेश्चन धीरे धीरे चलते ना, एक एक लाइन बाय वर्ड चलते ना, बराबर बता समझ में आ जाएगा ओके। इधर ध्यान दो, सम ऑफ द थ्री नंबर, तीन नंबर की एडिशन कितनी दी है बोलो जल्दी से 18, पर तीन नंबर कौन से है पता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। तो तीन नंबर्स के लिए क्या एक्स वाई जेड पकड़ दे क्या? नहीं। तो इन दैट सिचुएशन क्या पकड़ोगे बोलो जल्दी से? लेट द थ्री नंबर्स आर, कौन कौन से है बोलो जल्दी से? थ्री नंबर आर कौन कौन से है? ए माइनस बी, ए ए प्लस बी। आ गया क्या समझ में? ये बताओ बच्चों, सम ऑफ द थ्री नंबर इज कितना मिला है बोलो जल्दी से? ए माइनस बी, ए ए प्लस बी। आ गए क्या इतना समझ में? ये बताओ पहले, कड़ा ना सगड़ना ओके। आफ्टर दैट बच्चों अब देखो थोड़ा सा इधर ठीक है, क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन? सम ऑफ द थ्री नंबर, सम ऑफ द थ्री नंबर ई आर कितना दिया है बोलो जल्दी से? 18। तीनों की एडिशन कितनी है बोलो जल्दी से? 18 है। तो क्या मिलेगा बोलो जल्दी से? a माइनस बी प्लस ए प्लस क्या मिलेगा? a प्लस डी इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? 18। आगे क्या समझ में? ये बताओ dd क्या हो गया बच्चों बोलो जल्दी से? कैंसल, a प्लस a के प्लस a कितना हो गया बोलो जल्दी से? 3a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 एंड कितना हो गया बोलो जल्दी से? 18 अपॉन 3 दैट इज 18 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना मिल गया? 6। आगे क्या समझ में? ये बताओ बच्चों a मिल गया, ए आ गया इतना समझ में ओके। हाँ अंजलि बराबर है ओके, ए इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब मैंने एक्सट्रीम्स कहा, अब मैंने क्या कहा? एक्सट्रीम्स। इधर ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा, ये एक्सट्रीम्स का झोल क्या होता है इधर ध्यान दो, कितने मार्कर दिख रहे बोलो जल्दी से? 3। कितने मार्कर हो गए? 3। इधर ध्यान दो बच्चों, ये ब्लैक, ये रेड और ये ब्लैक, 3 मार्कर है। ये जो बीच में का होता है ना, बीच में का रेड कलर का, इसको कहते हैं मीन, इसको क्या कहते हैं? मीन। जो बीच में होता है उसको कहते हैं मीन, और जो बाहर होते हैं जो काले दिख रहे क्या दो बाहर काले, आ गया समझ में? उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। आ गया समझ में मैंने क्या कहा? तो जो बाहर है ना, ये देखो काले वाले दो, ये रेड को हटा दिया, ये जो दो काले पेन बचे थे ना, दिस इज कॉल्ड एज कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो आपके पास में तीन नंबर है, तीन नंबर कौन से है बोलो जल्दी से? आपके पास में एक है a माइनस डी, दूसरा है a और उसके बाद में a प्लस डी। बोलो बच्चों इसमें से एक्सट्रीम्स कौन हो जाएगा बोलो जल्दी से? a माइनस डी एंड a प्लस डी। आ गया समझ में? इतना बीच में का नहीं होगा, ध्यान में रखना। आ गया समझ में? a माइनस डी एंड a प्लस डी आर द एक्सट्रीम्स। ये क्या हो गया बोलो जल्दी से? एक्सट्रीम। नाउ इन दैट सिचुएशन क्या करोगे बच्चों? कंडीशन क्या दी है बोलो जल्दी से? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या दिया है बोलो जल्दी से? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना दिया है बोलो जल्दी से? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज कितना दिया है? 35। तो चलो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम a माइनस डी इंटू क्या मिल गया? a प्लस डी इज इक्वल टू कितना मिल गया? 35। समझ में आया क्या बोलो जल्दी से?
ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू क्या मिल गया 35। आ गया क्या समझ में, ये बताओ बच्चों, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो जल्दी से, एक फॉर्मूला कौन सा है, बोलो जल्दी से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलो जल्दी से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको बोलो बच्चों ए माइनस डी ए प्लस डी क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। आ गया क्या समझ में, ये बताओ बच्चों, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 35। बट बच्चों ए की वैल्यू पता है आपको, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, तो चलो 6 को रख दो, 6 स्क्वायर माइनस क्या मिल गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 35। चलो बच्चों लेट्स प्ले, चलो इधर का उधर शफलिंग टर्म्स करते हैं, डी चला इधर 35 आ गया, इधर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आ गया क्या समझ में, ये बताओ, 36 माइनस 35 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 36 माइनस 35 कितना हो गया 1, दैट इज डी इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों रूट ऑफ 1, दैट इज डी इज इक्वल टू रूट 1 कितना होता है 1। आ गया क्या समझ में, ये बताओ, डी इज इक्वल टू 1 मिल गया बच्चों, ध्यान रखो डी इज इक्वल टू 1 मिल गया। आ गया, ए मिल गया, डी मिल गया, अब फाइंड करेंगे बच्चों, पहले फाइंड करेंगे ए माइनस डी, चलो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, उसके बाद में सेकंड टर्म ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, एंड लास्ट वन बच्चों क्या फाइंड करोगे बोलो जल्दी से, ए प्लस डी कितना हो गया बच्चों 6 प्लस 1 कितना हो गया बोलो जल्दी से 6 प्लस 1 7। आगे क्या समझ में, ये बताओ। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि आंसर गलत है, एक काम करते चलो बच्चों ये नंबर चेक कर लो पहले, कैसे नंबर आ गए 5 6 7, कैसे आए बोले जल्दी से 5 6 7। एक काम करो इनकी एडिशन करके देखो सच में उतनी आती क्या, 7 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों बोलो जल्दी से 13, 13 प्लस 5 कितना हो गया बोलो जल्दी से 18, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गया क्या समझ में, बोलो बच्चों, खड़ा लग रहे बोलो, हेलो पुरानो समझ लो सगळ्यांना कळून गेलं लगेच ते कळालं सगळ्यांना पुरानो आजच्यासाठी इतकंच राहू द्या, बाकीचं आपण आता उद्या सुट्टी।